शांति। ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारी मुरली बड़ी लगे प्यारी प्यारी, ऐसी मुरली बाबा कहते हैं कभी भी मिस नहीं करो। जो प्यारी चीज लगेंगी वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं ना, फिर भी बाबा हमें सावधान करते हैं कि फिर भी कभी भूल जाए और मिस कर लो तो ऐसी मुरली कभी मिस नहीं करो। तो बाबा कहते हैं मुरली कहो तो प्यारी लगती, पढ़ाई कहो तो जरा रोज रोज यही पढ़ाई समझ में आ गई, और फिर कभी चलो समझ तो लिया है, आज न पढ़ा तो कल पढ़ेंगे क्योंकि समझ में तो आ गई। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में कभी सुस्ती ना आवे, उसका सहज पुरुषार्थ क्या होगा? सहज पुरुषार्थ हाँ, आप लोग भी जवाब निकालो फिर बाबा का सुनेंगे। आज बाप दादा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, ऐसा विचित्र जो इस उस्ताद जैसा कोई है ही नहीं, और जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। तो यह बाबा कहते तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है और तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो तो क्या बन जाएंगे? ऐसा विचित्र उस्ताद जिसके श्रीमत पर चलने से तुम डबल सिरताज बन जाते हो। ऐसा कोई ने बनाया कोई ऐसा पढ़ाने वाला जो डबल सिरताज बनाए? वैसे भी पढ़ाई से तो कोई राजा रानी नहीं बनते हैं। अब प्रश्न आया है मुरली में, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? आया आप लोगों को? निकाला जवाब? हाँ, जिन्होंने अपने पास निकाला है वे हाथ उठाओ। जिन्होंने विचार किया, विचार भी नहीं कर रहे हैं क्या? कम से कम विचार तो करो, फिर भले बाबा से भेंट करो अपनी। बाबा कहते हैं पढ़ाई के बीच में कभी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा उस्तति मान अपमान होता है उस उस्तति उसमें समान, उस्तति और निंदा में समान रहे उसे अपना एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएंगी। पढ़ाई में थोड़ी निंदा उस्तत होती है, परंतु पढ़ते पढ़ते और कोई कुछ बोल दे अथवा इसके साथ हमें ये भी सीखना होगा हमें भी कभी किसकी निंदा उस्तति नहीं करनी है। कोई हमारी करे तो उसको भी हम अपना खेल समझ के चलें। निंदा उस्तति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे उसे अपना एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं याद करो। कौन सी बात? जो याद करें तो हमें निंदा उस्तति लगे ही नहीं। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है। जो कुछ भी नहीं किया
और 108 पटरानियां बना दी, भगा के लेके गए। सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं उन पर। फिर ऐसे कृष्ण को तो फिर पूजते भी रहते हैं। तो यह गाली मिलना अर्थात कोई निंदा करते हैं कोई नई बात नहीं है, इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं तुम्हें पढ़ते ही रहना है। अब गीत है बनवारी रे, बनाया है बनवारी रे, जीने का सहारा, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। शुरू शुरू में यही था ना, जो भी शुरू में आई कन्याएं माताएं मेजॉरिटी, कितने सुतम आए कुछ भी कर दिया, लेकिन जीने का सहारा तुम्हारा हाथ, नाम तो नहीं कहे परंतु बाप का साथ था। तो बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, भक्ति मार्ग में तो नाम ही कहेंगे। बाबा कहते हैं ये किसने कहा, किसने याद फरमाया और किसको याद फरमाया, ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो, किसने कहा और किसको याद किया। जिनको गोप गोपियां कहा जाता है, तो शुरू में हम सब जो आए ऐसे ही समझते थे हम सब गोप गोपियां हैं, और ध्यान दीदार में जाते थे तो राधे कृष्ण देखते थे, रास देखते थे, तो समझते थे हम गोपियां हैं और कृष्ण के साथ रास करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको गोप गोपियां कहा जाता है उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया है। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो ही नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो हो करके जाते हैं। इससे बाबा सिद्ध करते हैं कि जरूर आए हैं बाप सृष्टि पर, उनका फिर जो होकर गए हैं उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसला जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला गया, कहाँ चला नहीं गया, परंतु उनको उन्होंने फिर क्रिश्चियंस को पालना देने, उनको पालना तो जरूर करनी है, इसलिए चला नहीं गया, परंतु फिर पुनर्जन्म में उसको आना ही है। जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका देखो वर्ष वर्ष बर्थडे भी मनाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में भी उनको याद किया जाता है। जो भी होके देवताएं होके गए परमात्मा होके गए हैं तब तो याद करते हैं।
जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो ज़रूर है, शुभ ही होगा ना, तब तो उनको याद करके मनाते हैं। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। देखो दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। देखो मनाते आते हैं और हम फिर जानते हैं ये क्यों मनाया जा रहा है, फिर भी जो भक्ति मार्ग में चला आया है समय के अनुसार वो भी हम मनाते रहते हैं। मनाते अपनी रीति है, परंतु जो गायन है उसके अनुसार मनाते हैं। मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं उनका उत्सव मनाया जाता है। अब भारतवासियों को ये तो पता ही नहीं है कि राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को तो जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय तो सभी आश्रित संप्रदाय हैं और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अभी बाप राम आकर के तुम्हें दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अर्थात फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सत्युगी देवी देवताओं को ही तो डबल सिरताज गाया गया है। पवित्र उनको पवित्रता का भी राज था और रतन पवित्रता का भी ताज था और रतन जत का भी ताज था। विकारी राजाओं को तो सिर्फ रतन जत ताज ही होता है। डबल ताज वाले, डबल ताज वालों को सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु डबल ताज वाले कब हो करके गए हैं, उन्होंने ये राज कैसे पाया, ये किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बात तो केवल बापी आकर के समझाते हैं। देखो अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है, तब तो मनाते आते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वो जलने की चीज तो है नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं। बाबा ने बताया कि रावण क्या है, बाबा कहते हैं वो जलने की चीज तो है ही नहीं, अभी उनका पूरा पूरा राज है और अभी उनका राज पूरा होने वाला है। जब तक राम राज स्थापन हो जाए तब तक तो ये भ्रष्टाचारी राज चलना ही है। रावण राज खत्म होकर राम राज स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर वो भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय के थे। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार तो द्वापर से शुरू होता है। पहले दो कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर चार कला,
फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला करके 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं, इस समय रावण का राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वो भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अभी बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ किस लिए, भ्रष्टाचारी राज को श्रेष्ठाचारी राज बनाने के लिए। या अब देखो, यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे, वे भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बापी तो आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में तो उत्सव मनाते ही आते हैं, परंतु ये तो समझते नहीं कि जरूर भगवान आया था। बाबा कहते हैं, ये तो केवल 5000 वर्ष की ही तो बात है। 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था, सारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। फिर उसकी पालना करने के लिए फिर बाप ने तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है, जाकर के उसकी पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं है, बाबा भी ऐसे कहते नहीं है, परंतु भेजते हैं तो जो स्थापना हुई है उसकी पालना करो। तुम ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता रहता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर ये सृष्टि भी सारी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएंगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। देखो कितनी उथल पाथल होती रहती है। देखो अभी सुन रहे हैं ना, बरसात का कितनी पड़ी है और क्या क्या होता रहता है, कहां बार कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, कितने मर गए। तो जहां तहां अभी ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान बन गई हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य बेचारे कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सत्युग में तो कोई भी उपद्रव होते नहीं, उपद्रव होते ही है नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला कम वाले थे, अभी तो 16 कला कम वाले बन गए हैं। अब ये सब डिटेल्स में समझने की बातें हैं। वास्तव में है तो बहुत सहज, परंतु मनुष्य तो अभी इन बातों को समझते नहीं, न खुद समझते हैं, न किसको समझा सकते हैं। तो फिर से बाबा रावण के जलाने की बात बताते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सोचना ऐसे कहेंगे या नहीं, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि उसको 5000 वर्ष हुए, रावण को 5000 वर्ष हुए क्या। तो बाबा कहते 2500 वर्ष हुए ना,
तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि उसको 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग तो शुरू ही होता है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब ही ये सब उपद्रव आदि शुरू होते हैं। अब फिर से राम राज का विनाश और राम राज की स्थापना कैसे होती है, सो तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि रावण क्या है। बाप कहते हैं वास्तव में लंका भी कोई थी नहीं, सत्युग में लंका होती ही नहीं, बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा था, अजमेर में देखो वैकुंठ का सोने की दरबार मॉडल बना हुआ है, परंतु मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में सत्युग में ये सोने के महल आदि बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। मशीनरी पर झट सोना गला करके टाइल्स बना देते हैं, सोने के टाइल्स बना देंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहां भी काम में आएंगी। देखो अभी तो ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, भाई जाएंगे बड़ा जल्दी पहुंचेंगे, कितना दूर दूर कितने में पहुंच जाएंगे, परंतु उनसे ही तो विनाश भी करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर देखो इतना सब हो रहा है। अब तुम विचार करो जब विनाश होगा तो फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में ये सब नई नई चीजें बन जाएंगी, वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में कितने महल सोने चांदी के जर्त से जरे हुए बनते हैं, वहां दरबार भी बड़ी लगती है, राजे रजवारे आपस में मिलते रहेंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर के सभा में बैठते हैं। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं राजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाएं तख्त लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की भी सभा लगती थी, बड़े ताज वाली रानी बैठती थी, उनको महाराजा महारानी कहते थे। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियाँ नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भवके से महाराजा आकर बैठते हैं। हम कहते थे, बाबा कहते थे जब हम देखते थे तो हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, अभी वे अपने को सूर्यवंशी कहते थे, यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले थे, भारत में ही थे नेपाल वाले भी परंतु सिंगल ताज वाले थे, उनसे पहले डबल सिरताज थे, वो तो थे इस सत्युग में। कृष्ण के लिए तो अनेक बातें लिख दी है, फलाने को भगाया ये किया वो किया, परंतु वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं।
अच्छा, फिर से बाबा कहते हैं जो भी उत्सव पास्ट में हो जाते हैं फिर भी वो मनाते आते हैं, ये भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज को खलास कर राम राज की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आश्री रावण राज 5000 वर्ष पहले भी था, बाप आया था आकर के रावण राज का विनाश कराया था, अब वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बाकी रावण कोई और चीज नहीं है। बल दिखाते हैं रावण की स्त्री मदोदरी थी, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं, केवल रावण को ही 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार रावण के और 5 विकार मदोदरी के, अर्थात 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। पूजा भी तो देखो महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, देखो दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उसमें लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजा वाली बनाते हैं। नारायण बाबा कहते हैं देखो दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, क्यों, नारायण ने क्या गुनाह किया जो उसका आवाहन नहीं करते लक्ष्मी को धन तो नारायण ही देता है ना, फिर भी लक्ष्मी से धन मांगते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि बाबा ने माताओं का ही तो मान आगे रखा है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी को धन भी तो नारायण देता होगा, हाफ पार्टनर होंगी ना, वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, मांगते लक्ष्मी से है, तो बाबा कहते हैं वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन तो किससे मिलता है, किससे, जगत अम्बा से नारायण से सबको नहीं, भक्ति मार्ग में नारायण से कोई धन नहीं मांगेंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में जगत अम्बा से ही तो ये ज्ञान धन मिला है, जिससे फिर सत्य की बातें मिलती है, बाबा वास्तविकता पर हमें ले जाते हैं। देखो हर चीज जगत अम्बा से ही मांगते हैं, कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, जगदम्बा को ही कहेंगे माँ हमारी रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी हमारी दूर करो, बहुत बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास तो एक ही कामना रख करके जाते हैं धन की, बस। जगदम्बा तो सभी कामनाएं पूरी करने वाली हैं, धनवान तो ये बनाती हैं, इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कोई धन नहीं देते हैं, परंतु कौन सा धन, ये तो है पढ़ाई, इसको हम ज्ञान धन कहेंगे। देखो इस पढ़ाई से, इस ज्ञान धन से तुम क्या से क्या बन जाते हो, फिर जाकर के लक्ष्मी बनते हो तो धनवान बन जाते हो। ताकत सारी इस समय की तुम्हारे में है, इस समय ही तुम्हें सारी शक्ति बाप से ही मिलती है, जो तुम सब की सब कामनाएं
पूरी कर सकते हो। जगदम्बा तो सब जो भी मिलता है दान देती रहती है, लक्ष्मी थोड़े ही दान देंगी। वहां दान सत्युग में तो किसको दान देते ही नहीं, क्योंकि वहां किसको भूख होती ही नहीं, कोई कंगाल होते ही नहीं। सत्युग में तो रावण होता ही नहीं है, यहाँ तो देखो रावण को जलाते हैं बरस बरस, दशहरे के बाद फिर दीपमाला भी मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज विनाश हो राम राज स्थापन होगा तो जरूर है खुशियां मनाएंगे ना। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में ही रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वो सत्युग में नहीं होंगी। तो अभी त्रिकालदर्शी बनते हो सत्युग में तो तुम जाकर के प्रलाबद भोगते हो। अब वहाँ ये सारी नाले जो इस समय में तुम्हें तीनों कालों की नॉलेज है, वो सारी नॉलेज वहाँ तुम भूल जाते हो, कुछ भी वहाँ तुम्हें याद नहीं रहता। संगम पर है ही स्थापना और विनाश, तो इस समय तुम्हें विनाश के समय ही आने वाले स्थापना की स्थापना अब हो रही है, तो आने वाले समय की भी अभी ही तुम्हें परिचय है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, इन उत्सवों का ज्ञान किसको भी नहीं है, तुमको ही बाप ने आकर के हर बात स्पष्ट समझाई है। संगम पर ही स्थापना और विनाश हो जाता होता है, स्थापना हो गई फिर बस, इन सब उत्सवों का ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, वे तो बड़े बखेरे बना देते हैं, कितनी लंबी लंबी बातें सुनाते हैं। देखो नारद की भी बात शास्त्रों में लिखी हुई है ना, तुमसे भी तो पूछा जाता है, तुम कहते हो, तुमसे पूछा जाता है किसको वरेंगे तुम क्या बनेंगे, किसको वरेंगे तुम कहते हो, बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे, भाइयों का जवाब, और फिर लक्ष्मी माताएं कहती है हम नारायण को वरेंगे, बाप कहते हैं पहले अपने में तो देखो कोई विकार तो नहीं है, अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा तो जरूर है, अभी तो कोई संपूर्ण बने ही नहीं है, परंतु बनना है संपूर्ण, इन भूतों को भगाना है, तभी तो इतना बड़ा मर्तबा पा सकेंगे। देखो तुम्हारा उस्ताद भी तो बड़ा चतुर मिला है, तुमको मिला है, बाप तो है सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, जो आकर के बाप तो है सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, जो आकर के उनका बच्चा बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम सब अभी डबल सिरताज देवता बन रहे हो ना, देवताओं को तो दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो यहाँ बाप के पास ये ही डबल सिरताज वर्षा लेने के लिए,
वर्षा लेना है तो पढ़ाई अच्छी रीत से पढ़नी है। बाबा कहते हैं बच्चे पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो फिर औरों को कैसे समझा सकेंगे। अगर समझाने की सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद फिर कैसे पा सकेंगे। अब ये सारा ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम ये सारी नॉलेज समझ रहे हो, जैसे ही ये विनाश पूरा होगा तो फिर ये सब बातें गुम हो जाएंगी। अर्थात त्रिकालदर्शी बाप ने अभी बनाया, फिर बाप हमें स्वर्ग में भेज के और खुद तो जाके अपने घर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ये नाले समझते हो, फिरते हो ये गुम हो जाएंगी। ये जो लंका दिखाते हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी। रावण का जन्म कब हुआ कोई भी नहीं जानते हैं, वह लिखा हुआ है देव द्वापुर से लेकर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू हो जाते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी फिर व्यभिचारी बन जाती हैं। अभी तो देखो मनुष्य ही अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्टाचारी दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो जरूर है पहले स्थापना करेंगे तब तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश करेंगे। अब देखो बाप कहते हैं ये हमारा पाठ कल्प कल्प का नूंदा हुआ है। भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने में भी तो टाइम लगता है। कितना टाइम लग गया है हाँ? अभी तक वो यज्ञ चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। कल अब पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वो ही तो अभी भी पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं देखो पढ़ते पढ़ते बहुत बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, कहते हैं बस बाबा अभी तो हम चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अरे निंदा उस्तत मान अपमान ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे देखो याद करो सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है, कितने उस पर कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे कृष्ण को पूजते क्यों हो। वास्तव में फिर बाबा यथार्थ बात बताते हैं ये गाली आदि जो भी मिली है वास्तव में तो ये ब्रह्मा को ही मिलती है। सारी सिंध में देखो कितनी निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके, निंदा करते रहे परंतु जो प्लान बनाएंगे मारे मारेंगे आग लगाएंगे ये सब करेंगे कुछ कर तो सके ही नहीं। अब ये तो सब है खेल, नई बात नहीं है। कल अब पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी तो नदी समुद्र सिंधु नदी थी ना बीच में, तो नदी पार करके हैदराबाद से हम कराची में आ गए। तो नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए,
कृष्ण तो नहीं था, ये दादा आता जाता था, तुम जानते हो। अभी हम राज पाते हैं और फिर आधा कल्प के बाद फिर गवाते भी हैं, और फिर आधा कल्प के बाद अर्थात फिर कलयुग अंत में फिर से हम बाप आते हैं और फिर से आके हमें राज भाग देते हैं। अब ये तो सारा कल्प कल्प का खेल बना हुआ है, जो कल्प कल्प रिपीट होता ही रहता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे ए बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। पहले आज बच्चों ने कर दी, फिर बाप ने की। अच्छा, अभी फिर से सारी मुरली का सार। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। बल गायन एक का है, लेकिन बाबा कहते हैं एक बने और सब माताएं कन्याएं माताएं कहें, जिनों का यही कर्तव्य है सबको जो बाप ने खजाना दिया है उस सबको देते जाओ, दान देते रहना है, ज्ञान दान। दूसरी पॉइंट, उस्तति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते हुए भी, बल उस्तति हो या निंदा हो, ये सब होते हुए भी पराई नहीं छोड़नी है। इन बातों को खेल समझ के पार करते जाना है। दो पॉइंट्स मुख्य धारणा की पूरी हुई, अब हम सुनते हैं वरदान। सदा स्नेह और सहयोग के द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग के द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। समझ में आया ना? जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला न सके। अविनाशी रतन तो ज्ञान को भी हम कहते हैं, पर यहाँ बाबा ने कहा है जो सदा स्नेह स्थापना के कार्य में जो सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी उसको हिला न सके, अर्थात माया के कितने भी तूफान आए परंतु हार नहीं खावे, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी है। ये अविनाशी रतन ज्ञान को नहीं कहते हैं,
परंतु जिन्होंने इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण किया है, माया पर विजय पाई है, उसको ये अविनाशी रत्न का टाइटल है। ऐसे अविनाशी रत्न को कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके। ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है, रियल गोल्ड है, बाप के साथ है। वे बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। आज का स्लोगन पवित्रता की यथारथ धारणा है। पवित्रता की यथारथ धारणा है तो हर कर्म यथारथ और युक्ति युक्त होता रहेगा। पवित्रता की यथारथ धारणा है तो हर कर्म यथारथ और युक्ति युक्त होता रहेगा। ओम शांति।